मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, मगर अब इनके गांव जाने की व्यवस्था की जा रही है। मुंब्रा कौसा में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, मगर अब वो अपने गांव जा सकते हैं। इसी संदर्भ में मुंब्रा के डायमंड हॉल में पुलिस और मुंब्रा कौसा के नगर सेवकों के बीच मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में एसीपी सुनील घोसालकर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोरात और नगर सेवक शानू पठान, शाह आलम, राजू अंसारी, जफर नुमानी, अश्विन राउत ऐसे और भी कई नगर सेवक मौजूद थे। एसीपी घोसालकर ने जानकारी दी है कि जिला अधिकारी के तरफ से जो फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म स्थानीय नगर सेवकों के पास उपलब्ध रहेगा। जिसे भी गांव जाना है वो फॉर्म पर अपना नाम पता और ट्रेन से जाना है या फिर अपने किसी वाहन से, और जाने वालों में से सभी का डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड देना जरूरी है। साथ ही मेडिकल भी करके उनके मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाना जरूरी है। मेडिकल आप किसी भी डॉक्टर से करवा कर उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये फॉर्म आपको स्थानीय नगर सेवकों के पास से मिलेगा। जब आप इस फॉर्म को भरकर देंगे उसके बाद ये फॉर्म आपको जहां जाना है वहां के जिला अधिकारी के पास ये फॉर्म पहुंचाया जाएगा, और वहां के जिला अधिकारी जब आपके फॉर्म को देखने के बाद आपको आने की अनुमति देंगे तो आप यहां से अपने गाँव वापस जा सकते हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि गांव पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन वहां की प्रशासन आपको कर सकती है। आप सुने एसीपी घोसालकर ने पूरी जानकारी दी है, सुनिए गांव जाने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है। आज की जो मीटिंग थी वो मीटिंग ऐसी इसलिए थी कि जो लेबर्स लोग अपने गाँव में जाना चाहते हैं वो लेबर्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो योजना बनी है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आज मीटिंग बनाई थी। आज मुंब्रा के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको हमने यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे बुला के जो माइग्रेंट वर्कर अपने गांव में जाना चाहते हैं उनके लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने उनको बता दिया है। जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के हमें दे दिया जाएगा तो वो हम वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजेंगे, और वहाँ से जो माइग्रेंट वर्कर के लिए जाने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी वो हम ग्रुप लीडर को या स्थानीय नगर सेवकों को बोल के उनकी व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये जितने भी नगर सेवक हैं सबके पास ये दिया जाएगा, और इसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेगा? ये जो फॉर्म है वो सब नगर सेवक प्रतिष्ठित व्यक्ति वो सोशल वर्कर को दे दिया जाएगा। उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाने का है, जो जिले में जाना चाहते हो आप वो जिले में एक ग्रुप बनाने का है, वो ग्रुप लीडर भी वो जिले उनके साथ जाना चाहिए, और वो ग्रुप लीडर उसके साथ ये फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जो लोग अपने बस से खुद के बस के या खुद के गाड़ी से जाना चाहते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उनको हम पास इशू कर देंगे हमारे वरिष्ठ कार्यालय से यह करके। जो हमारे पास लिस्ट आएगी वो हमारे वरिष्ठ कार्यालय को जिला अधिकारी को भेजेंगे, वो उधर के जिला अधिकारी उधर के प्रशासन से कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ से कांटेक्ट करने के बाद उनसे अप्रूवल आने के बाद यहाँ पे उनकी व्यवस्था की जाएगी ट्रेन की या बस की, और वो ट्रेन या बस की व्यवस्था जो किया जाएगी वो हम आपको ग्रुप लीडर को बता देंगे और वैसे वो कर लेंगे। सर, जो लोग यहाँ से जाएंगे तो उनका क्या मेडिकल यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य? जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनका मेडिकल के लिए इधर के लोकल मेडिकल ऑफिसर के पास या दवाखाने में जाके या डिस्पेंसरी में जाके जनरल प्रैक्टिशनर से अपना मेडिकल करवाने का है, COVID-19 का टेस्ट नहीं मेडिकल करवाने का है, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट उनके अटैच करने का है, उसके बाद ही वो जा सकते हैं। वहाँ पे गांव पे पहुँचने के बाद उधर की प्रशासन जो उसको सलाह देगी होम क्वारंटाइन का या छोड़ने का वैसे उसको यह करना पड़ेगा उधर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।